सकते हैं तो अपने कपड़े उतार के बढ़े ना तवाफ कर, इतनी उनकी इजारतदारी थी। तो बहरहाल वो जो जानवर जा रहे थे और मुसलमानों के भी जानवर थे साथ उनके, उन्होंने भी रास्ते में वो मिल गया, तो मुसलमान चाह रहे थे कि उस पर हमला करके वो जानवर ले ले, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने मना फरमाया। क्या ईमान वालों, अल्लाह की शायर को, अलामतों को, निशानियों को हलाल मत जानो। उन्होंने जालिमाना अंदाज से तुम्हारे जानवर लूट लिए थे, तो जुल्म का जवाब जुल्म नहीं है बल्कि उसूल और इंसाफ इस्लाम सिखाता है। किनके साथ? दुश्मनों के साथ भी इंसाफ। अच्छा देखिए, खुद हमारे लूटे हुए जानवर हैं, पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, मगर क्या फरमा रहे हैं? नहीं, ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर है वो, चुराया हुआ माल है, माले मसरूका है, लेकिन उन्होंने अब उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है उम्रे के लिए। सूरह माईदा हम लोग शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم सूरह माईदा हम लोग शुरू से ले रहे हैं। सूरह माईदा, माईदा के माने दस्तरखान के, माईदा बोले तो दस्तरखान। और इस सूरह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो दस्तरखान नाजिल हुआ था आसमान से, अल्लाह ताला चाहे तो आसमान से दस्तरखान भी उतार सकता है, पका पकाया, हर किस्म की चीज तैयार भी हो सकती है। तो हजरत ईसा के लिए ये हुआ था अलैहिस्सलाम के लिए कि दस्तरखान उतारा गया था, और वो इस सूरे में उसका तस्करा है। तो उस ज़िमन में इस सूरे का नाम सूरे माईदा है। कुरान मजीद की जितनी सूरतें हैं तो उसका हाल दुनिया की जो किताबें और तसनीफात तालीफात हैं उस तरह नहीं है। जैसे हमने अगर किताब लिख दी हज और उम्रे का के बारे में, तो उस किताब में हज और उम्रे के बारे में ही सब कुछ होगा। नाम है उसका, किताब का नाम है हज और ज़ियारत, तो लिहाजा किताब में हज और ज़ियारत के बारे में ही पूरी तफसीलात होंगी। किताब का टाइटल है नमाज,
तो नमाज के बारे में तमाम तफसीलात उस किताब में होंगी। कुरान मजीद की सूरतों का हाल ऐसा नहीं है कि उसमें जो टाइटल उसको दिया गया है सूरे को, उसके वो माने नहीं है कि वो टाइटल के बारे में उसमें सारी तफसीलात, जैसे इससे पहले हम लोग सूरे बकरा, बकरा के माने गाय के हैं और एक वाकया उसमें गाय का आया है, उस मुनासबत से उसका नाम बकरा है, और ये माने नहीं है कि गाय की किस्में, गाय की तफसीलात, गाय के रेट्स हर ज़माने में, गाय के तमाम तफसीलात, ये वो उसमें ये नहीं है। एक पहचान के लिए उस सूरे में वो जिक्र आ गया उस चीज़ का, तो सूरे को पहचानने के लिए वो नाम उसको दे दिया गया है। रहा वो जो टाइटल है, नाम है, उसके बारे में वो खास सूरा सारा के सारा उस बारे में नहीं है। वो जो टाइटल का तस्करा है उसके बारे में थोड़ी सी कोई एक आधा वाकया, जुज़वी वाकया उसमें मौजूद है। तो दुनिया की किताबों का ये हाल है कि जो टाइटल देते हैं वो टाइटल के मुताबिक पूरी तफसीलात होती है। हमारी दुनिया की तसनीफात तालीफात का ये हाल है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है कि टाइटल जो है बकरा है तो गाय के बारे में सब आएगा, टाइटल सूरह यूसुफ का यूसुफ है तो ये माने नहीं कि हज़रत यूसुफ के बारे में ही सब तफसीलात होगी, दूसरी कोई बात नहीं होगी। सूरह निसा है तो औरतों के बारे में ही सारे तफसीलात होंगी उसमें, ऐसा नहीं है। महज एक पहचान के लिए वो नाम उसको दे दिया गया। इसी तरह यहाँ भी सूरह माईदा, इसका नाम दे दिया गया है, और माईदा के माने दस्तरखान के हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था कि उनके लिए आसमान से अल्लाह ताला ने उनके हवारियों के तलब करने पर नाजिल फरमाया था, तो वो उस लिहाज से वो मायदा का लफ्ज आ गया इसमें। ये सूरा मायदा जो है आखिरी सूरा है, इसकी जो आयतें हैं पूरा है, इसका कुछ हिस्सा तो सुलह हुदैबिया 6 हिजरी 7 हिजरी, फिर फतेह मक्का का में कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा इसका हजतुल वदा में था। तो गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी हिस्से में ये सूरत का नुज़ूल हुआ है। तो इसीलिए हुज़ूर ने भी इरशाद फरमाया कि ये सूरा आखिरी है, इसलिए अहलु हलालहा व हर्रिमु हरामहा, इसके हलाल को हलाल समझो और इसके हराम को हराम जानो, मतलब इसमें जो चीज़ें हराम की गई है वो मोहकम है, उसमें कोई नस्ख तरमीम तब्दीली या नस्ख नहीं हुआ है, इसका हराम जो है वो मोहकम हराम है और इसका हलाल मोहकम हलाल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी इस किस्म की हदीस मरवी है कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन नुफ़ैर को पूछा कि जाबिर तुमको सूरह मायदा याद है, तो उन्होंने कहा है उम्मुल मोमिनीन मुझे याद है। वो फरमाया कि ये सूरा मोहकम सूरा है, अखीर हयात में नाजिल हुआ, इसलिए इसके अहकाम को मजबूती से थाम। बाद सूरों का ऐसा मामला हुआ है कि उसमें जो